मेरे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है लाइव पाठशाला में। मैं प्रदीप नारायण आप तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि लाइव पाठशाला के माध्यम से जो YouTube और Facebook पेज है, आप तमाम बच्चे चाहे जिस क्लास में हैं, आप चाहे एकेडमिक कोई डिग्री वाली क्लासेस में हैं या आप कंपटीशंस के बच्चे हैं, लाइव पाठशाला के माध्यम से अलग अलग शिक्षक आप तमाम बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स का एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको शायद बेहद पसंद आ रहा होगा। और आज आप 10वीं क्लास के बच्चों का एक बार सुंदर शानदार सी कविता पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइगर इन द जू। आप देख सकते हैं टाइगर का मतलब आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं बाघ, और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कहने का मतलब जिस घर में जिस जगह पर इस पक्षियां जानवर इत्यादि को रखा जाता है, मीन्स उनको पालतू बना करके रखा जाता है। इस जंगली जानवर पक्षियां सारे चीजों को जीव जंतुओं को वहां पर पालतू बना करके रखा जाता है, जिसे आप जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं। और आप बहुत सारे जू चिड़िया गार्डन का आपने देखा भी होगा, घूमा भी होगा आप लोगों ने। तो आप देख सकते हैं टाइगर इन द जू बहुत सुंदर सी कविता है 10th क्लास के बच्चों के लिए। और इस कविता साथ एग्जाम में 2 नंबर के या 3 नंबर के एक प्रश्न अवश्य हर एक साल पूछता ही है। इस दृष्टिकोण से यह कविता बहुत शानदार है। और इस कविता में बेसिकली कवि यह बताने का कोशिश किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड अ टाइगर दैट लिव्स इन द जू। मींस एक बाघ जो जंगल में रहता है और एक बाघ जो चिड़ियाघर में रहता है, दोनों के बीच में मींस मुख्य अंतर क्या है। जैसे एक कुत्ता लावारिस गांव में घूमता है, एक सड़कों पर घूमता है, कुत्ता किसी के घर पालतू रहता है, आपके घर पालतू रहता होगा, दोनों के बीच में क्या अंतर है। मींस घर का कुत्ता और रोड पर जो मींस वंडरिंग करता हुआ जो डॉग होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है। घर का कुत्ता एक निश्चित एरिया में रहता है, बाहर का कुत्ता कहीं भी घूमता है। घर का कुत्ता एक निश्चित खाना खाता है, बाहर का खाना जो कुत्ता है वो अनिश्चित खाना खाता है। घर का कुत्ता उसका अपना एक हैबिट होता, आदत होता है, बाहर का कुत्ता उसका बाहरी दुनिया के हिसाब से आदत होता है। इस दोनों के बीच में ना बहुत डिफरेंसेस होता है, अंतर होता है। उसी प्रकार से इस कविता में भी एक चिड़िया मिस एक बाघ जो चिड़िया घर में रहता है और एक बाघ जो जंगल में रहता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर इस कविता में दिखलाया गया है, जिसका नाम है टाइगर इन द जू। आप देखेंगे दिस पोएम कंट्रास्ट करना का मतलब होता है विरोध दिखलाना, मतलब कि अंतर दिखलाना। ये कविता है वो अंतर दिखलाता है। ए टाइगर इन द जू मतलब एक बाघ चिड़ियाघर में रहता है विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब निवास, मतलब एक बाघ जो जंगल में रहता है उसके बीच में अंतर को दिखलाता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल मतलब कविता है वह चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाता है, मतलब कवि है वो कविता को चिड़ियाघर से स्टार्ट करता है और जंगल वाले बाग तक ले जाता है एंड बैक अगेन टू द जू। और फिर जंगल में जाने के बाद वह बाघ है चिड़ियाघर में वापस आ जाता है। मतलब इस बेसिक अंतर को आप बच्चों को समझना है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस कवि बोलता है, एक बार कविता को आप धीरे धीरे पढ़िए एंड से विच स्टांजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और आपको बतलाना है कि कविता में जो स्टांजास हैं, मींस जो पंक्तियां लिखे गए हैं, कई पंक्तियों के समूह को एक स्टांजा बोला जाता है, तो जो स्टांजास हैं वह कौन सा स्टांजा यह बतलाता है कि बाघ चिड़ियाघर में है और कौन सा स्टांजा यह बतलाता है कि बाघ ना जंगल में है। Once speak about the tiger in the jungle, तो आप बच्चे आसानी से देखिएगा, मतलब बहुत शानदार सी कविता है, बहुत सुंदर सी कविता है, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त ये पोएम है। Now I'm going to start the poem, कविता को पढ़ाने के लिए आप बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। मींस आप जानने का कोशिश कीजिएगा कि कौन सा स्टांजा यह दिखलाता है कि बाघ चिड़ियाघर में है और कौन सा स्टांजा यह बतलाता है कि बाघ जंगल में है। तो आप देखिएगा सबसे पहले स्टॉप का मतलब होता है भारी कदमों से चलना। स्टॉप का मतलब होता है भारी कदमों से
चलना मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा, शाही राजा को आपने देखा होगा, मतलब बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते ना वह पैर को रखता है, आपाधापी नहीं होता है, तो बहुत आराम से बाघ है ना वो पैर को रखता है। विविध का मतलब होता है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, और स्ट्राइक का मतलब होता है धारी। आप लोग बाघ के शरीर पर देखा होगा इस हिसाब से ब्लैक ब्लैक काले कलर का है ना, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे काले कलर का ना धारी होता है बाघ के शरीर पर। आप लोगों ने ऐसा कुछ ना देखा होगा, किसी चीज को देखना है। फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब कुछ, और स्टेप का मतलब होता है कदम, और केज का मतलब होता है पिंजड़ा, केज का मतलब पिंजड़ा, और क्वाइट का मतलब होता है शांत। आप बढ़िया से सारे वेज का मतलब होता है गुस्सा, तो आप बढ़िया से देखिएगा कि सारे अगर वर्ड के अगर मीनिंग अगर आपको स्पष्ट है क्लियर है तो फिर आपको कविता को समझने में तनिक परेशानी नहीं होगा। आप इसे उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और आप देखिएगा तो ही स्टॉक्स, स्टॉक करना का मतलब होता है भारी कर्मों से चलना। बाघ क्या करता है, बहुत भारी कर्मों से चलता है, उसे डर नहीं लगता किसी चीज से। वह बिल्ली नहीं है, वह चूहा नहीं है, वह हिरण नहीं है, दूसरे कोई जीव जंतु जानवर में उसका कोई शिकार कर लेगा, उसे डर लगता ही नहीं है। वह बहुत ही करेजियस, बहुत ही हिम्मत वाला प्राणी है, बहुत आराम से एकदम ना स्टॉप करता है, एक कदम रखता है, दूसरा कदम रखता है, तीसरा रखता है, चौथा रखता है, एकदम आहिस्ता आहिस्ते मस्ती में रखता है। तो ही स्टॉक्स इन वाइड वाइड स्ट्राइक। आप देखिएगा बाघ के पीठ पर काला काला धारी होता है, जैसे हमने बताया है, मींस उसका फिजिक क्या है, वह मोटा है, स्थूल है, और काला काला ऐसा धारियां उसके शरीर में बना हुआ है, और बाघ ना एकदम आराम से अपने एक कदम के बाद दूसरे कदम के बाद तीसरे कदम के बाद चौथे कदम आराम से मस्ती से ना बाघ रखता है। जैसे आप लोगों ने जयमाला वगैरह में दूल्हे को देखा होगा पैर रखते हुए एकदम आराम से, या नहीं तो बर कन्या के समय घर में घुट ढूंढते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस समय देखा होगा उनका पैर में दौरा में रखाता है, मिस ठेचा में रखाता है, तो एकदम आराम से अपने पैर को रखते हैं, वो बकाते नहीं एकदम धीरे धीरे, तो उसी हिसाब से बाघ ना चलता है। फ्री वो स्टेप्स हिज केज, और जिस पिंजड़े में बाघ रहता है, चिड़िया घर के जिस पिंजरे में बाघ रहता है, कुछ कदम चलता है, मान लो रूम बना हुआ 20 बाय 20 का, तो भाई साहब तो 20 ही फीट ना आगे चल पाएगा। तो इस हिसाब से वह बाघ ना, मान लो पिंजरे जो बना हुआ है चिड़िया घर में, रूम बना हुआ है जिसमें वह रहता है, उसके लंबाई के हिसाब से वह चलता है। पैड्स का मतलब होता है गद्दा, पैड्स का मतलब गद्दा, और वेलवेट का मतलब होता है मखमल। वह जो बाघ है वह मखमल का पैड वहां बिछा हुआ है, मतलब जिस चिड़िया घर में जिस कमरे में उसे रखा गया है वहां पर ना जो बिछावन लगाए गए हैं, चटाई बिछाए गए हैं, और मखमल की चटाई बिछाए गए हैं। बाघ जंगल में रहता था तो पत्थर पहाड़ पर भी वह चलता था, मिट्टी मोरम बालू पर भी वह चलता था, चढ़ान ढलान में भी वह चलता था, लिकाट कुसे में भी चलता था, घासों पर चलता था, लेकिन यहाँ चलने के लिए भाई साहब जैसे कोई मेहमान का स्वागत किया जाता है, हम रेड कारपेट बिछा करके गर्मजोशी का स्वागत करते हैं, यहाँ पर बाघ के लिए एकदम न मखमल के गद्दे लगे हुए हैं, जिस पर बाघ में एकदम मस्ती से अपने पैर को रखता है। जैसे आप लोग आजकल बड़े बड़े घरों में देखते होंगे कुत्ते की रखने की व्यवस्था बनाया गया है, कुत्ते को मॉर्निंग में पहनने के लिए मॉर्निंग ड्रेस होता है, भाई डे में पहनने के लिए डे ड्रेस होता है, इवनिंग में पहनने के लिए इवनिंग ड्रेस होता है, नाइट में पहनने के लिए कुत्ते की नाइट ड्रेस होता है, मॉर्निंग का उसका भाई साहब जो अपना सप्लीमेंट है भोजन है वो मॉर्निंग के हिसाब से होता है, फिर उसे ना उसको भी मतलब लंच दिया जाता है, उसे भी ना कुछ शाम को स्नैक्स दिए जाते हैं, उसे भी रात में ना भाई साहब अच्छे डाइट दिए जाते हैं, उसे भी मिल्क पिलाया जाता है, उसे भी चिकन और मटन खिलाया जाता है। बड़े बड़े घरों में कुत्ते के लालन पालन पोषण पर प्रत्येक महीने लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, कुत्ता लग्जरी लाइफ जीता है। उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर टाइगर के लिए किया गया है, जो टाइगर जंगल से पकड़कर लाया गया है और चिड़िया घर में बंद किया गया है, वह बाघ यहाँ पर पैड्स पर चलता है, गद्दे पर चलता है, और वह गद्दा वेलवेट का है, मतलब कि मखमल का है, एकदम शांत वातावरण है, इन हिज क्वाइट रेज, और बेचारा बाघ है ना तनिक भी कुसाया नहीं है, एकदम शांत है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। ये नेचर नहीं बाघ का, ये आदत नहीं है बाघ का, टाइगर का ऐसा आदत नहीं है। टाइगर जब अपने शिकार को देखता है तो गुस्से में आ जाता है, लेकिन
लेकिन बाघ यहाँ बेचारा क्या कर सकता है, उसकी सारी ऊर्जा है वो दीवार के अंदर बंद कर दिया गया है। बाघ बेचारा एकदम शांत है, पूरा निर्भीक है, बोलता है ही शुड बी लर्निंग इन शैडो। लर्न करना का मतलब होता है झुकाव, झुकाव। इन शैडो का मतलब होता है छाया। अब देखिएगा स्लाइड करना मतलब होता है फिसलना, स्लाइड करना मतलब होता फिसलना, और थ्रू का मतलब के द्वारा, और ग्रास का मतलब घास आप समझते हैं, पलम का मतलब होता है मोटा, पलम का मतलब मोटा। बोलता है डियर का मतलब होता है हिरन, डियर मतलब हिरन। आप देखिएगा इन मतलब जो बाघ है वह बाघ को जंगल में रहना चाहिए, यदि वह बाघ काश जंगल में होता, वह बाघ ना काश जंगल में होता तो वह बाघ दौड़ता, स्लाइड करता, फिसलता, लंबा जिधर घास है ग्रास है ना उधर को वह भाग जाता, और वह मोटी हिरन को देखता, और मोटी हिरन को देख करके वह हिरन पर एक बार इस हिसाब से आक्रमण बोलता, उसे ना पकड़ता, उस जगह पर वह जाता जहां पर वाटर होल है। पोएट ने पोएम को लिखा है ही शुड बी लर्निंग इन शैडो, बाघ को ना किसी पेड़ के छाए में जाकर छुप जाना चाहिए था, बाघ किसी पेड़ के छाए में रहना चाहिए था। बोलता है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और इधर लंबी लंबी घासे हैं ना उधर की ओर बाघ को जाना चाहिए था, लेकिन बाघ घास नहीं खाता है, बाघ मांस खाता है, और हिरन मांस नहीं खाती है, हिरन ना घास खाती। तो इस हिसाब से जब हिरन लंबी घास को चरने के लिए खाने के लिए आएगी तो उस दरमियान बाघ किसी पेड़ के छाए में वह छुपा हुआ रहेगा, और जैसे हिरन को वह देखेगा, हिरन घास चरते चरते जब थक जाएगी, उसे पानी की जरूरत पड़े तो वह ना वाटर होल के पास, होल का मतलब होता है स्रोत, यहाँ पर स्रोत एच को एक होल मतलब समझिएगा, स्रोत मतलब जहां पर जल है, जल के स्रोत के पास बाघ में किसी छाए में छुपा हुआ रहेगा जहाँ हरी भरी घास हो। हिरन उस घास को चरने के लिए वेयर प्लंप डियर पास, जहां पर मोटी स्थूल मांस वाली हिरन में आए और वहां पर बाघ में छुपा हुआ रहे पेड़ के छाए में, और जैसे हिरन घास चरते चरते पानी पीने के लिए मुड़ी को ऐसे झुकाए, एक दो मिनट पानी खींचते रहे, उसी दरमियान बाघ को ना उस हिरन पर ना एक बार तड़प जाना चाहिए, उस बाघ को ना उस हिरन को पकड़ लेना चाहिए, उस बाघ को ना उस हिरन को अपना शिकार बना लेना चाहिए, उस बाघ को ना उस हिरन को खा जाना चाहिए। बाघ की ने यह ताकत है, बाघ की ने यह आदत है, बाघ की ने यह प्रकृति है, क्योंकि बाघ ने घास नहीं खाता, बाघ ना मांस खाता है, और वह जिंदा मांस खाता है, लेकिन वह बाघ की सारी जो ऊर्जा है वो एक दीवार के अंदर बंद है, चिड़ियाघर के अंदर बंद है। लोग ना उस बाघ को देखने के लिए जाते हैं, बाघ बेचारा कर क्या सकता है, बाघ बेचारा बहुत परेशान है। इसी बात को आपको समझना है इस पोएम में, आप दसवीं के बच्चे, हम आशा करते हैं कि शायद जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है बहुत आसानी से ना आपको ना समझ में आएगा, बहुत आसानी से आप बच्चों को समझ में आएगा। आप देखिएगा आगे तीसरी जो स्टांजा है वो इस हिसाब से है, नार्लिंग का मतलब होता है चिल्लाना, नार्ल का मतलब चिल्लाना, अराउंड का मतलब होता है के चारों तरफ, और हाउस का मतलब होता है घर, जंगल का मतलब आप जंगल समझते हैं, और एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब होता है किनारा, मतलब कि बाघ को जंगल में घर के किनारे रहना चाहिए, बाघ को जंगल में घर के किनारे रहना चाहिए। और बोलता है Bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. और वह जो बाघ है उस बाघ को अपने फैंस को दिखलाकर, फैंस कहने का मतलब होता है, मतलब फैंस कहने का मतलब होता है बाघ का दांत, बाघ का दांत मतलब फैंस, क्लाउज का मतलब होता है पंजा, टेरोराइज करना मतलब होता है डराना, और विलेज का मतलब गांव समझते, एज का मतलब की नारा। अब नार्लिंग का मतलब होता है चिल्लाना या दहाड़ना समझे, दहाड़ना, दहाड़ना मतलब जंगल में बाघ को जाना चाहिए, और जा करके जिधर घर है, बस्ती है, लोगों का मोहल्ला है, उधर बाघ को ना एक बार ना हुक्कार भरना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, जिस हिसाब से भी वह बाघ चिल्ला जाए एक बार तो पूरे गांव में सन्नाटा छा जाएगा, पूरे गांव के लोग ना अपने अपने घर में दुबक जाएंगे, घुस जाएंगे, बाघ से इतने एक उसके ना नार्लिंग से एक ना उसे गुर्राहट से लोगों का ना डर पैदा हो जाता है,
डर पैदा हो जाएगा, लेकिन यह बाघ बेचारा क्या कर सकता है, यह बाघ वहां डराने की जगह पर यह बाघ चिड़िया के घर के अंदर बंद है। कवि बोलता है कि बोलता बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लाउज एंड राइजिंग द विलेज, उस बाघ को अपने पंजे को इसी स्वभाव से ना दिखाना चाहिए, दिखा करके गांव के लोगों को ना डराना चाहिए, लेकिन वह बाघ कर क्या सकता है, पंजे तो है उसके पास, दहाड़ भी है उसके पास, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा एक कमरे के अंदर बंद है। बोलता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मतलब होता है ईंट बालू सीमेंट की बनी हुई दीवार, सेल का मतलब होता है दीवार, दीवार या पिंजरा समझिए, पिंजरा। अब इस हिसाब से स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, बिहाइंड मतलब के पीछे और बार का मतलब होता है जंगला, जंगला मतलब लोहे का जंजीर बनाया हुआ है जिसके अंदर बाघ को रखा गया है। स्टॉकिंग का मतलब होता है चलना, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई और केज का मतलब पिंजरा बताया था, इग्नोर करना मतलब तिरस्कार करना, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। अब इस हिसाब से आप देखिएगा विजिटर का मतलब आगंतुक, विजिटर का मतलब आगंतुक। अब इस हिसाब से आप देखिएगा कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, उसे ना एक ईंट बालू पत्थर के बना हुआ जो दीवार है ना, उस दीवार के अंदर में उसको बंद कर दिया गया है बाघ को। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो पूरी ताकत है ना वह जंगले के अंदर है, मतलब कि जंजीर जो बना हुआ है उस जंजीर के अंदर उसकी पूरी ताकत सीमित हो चुका है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ पिच के या इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह ना पिंजरा के लंबाई के हिसाब से ही चल पाता है, मतलब इस हिसाब से 20 फीट या 30 फीट जितना बड़ा पिंजरा बना हुआ है उस पिंजरे में वह जाता है, पुनः बेचारा वापस आ जाता है, जाता है पुनः वापस आ जाता है। इस हिसाब से आप देखिएगा बाघ मान लो उधर से आ रहा है, इधर खिड़की दरवाजा बना हुआ है, आगंतुक विजिटर का मतलब होता है आगंतुक, आगंतुक उस बाघ को देखने के लिए जा रहे हैं, आगंतुक किस हिसाब से मोबाइल रख ले है, फोटो लेना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है, बाघ का फोटो खींचना चाहता है। अब बाघ बेचारा को लगा कि उनके संपानी है बाघ, बैठ मोदी जी है, बाघ को लगता है सका हो गए फलना है, बाघ बेचारा घूम जाता है, अपना पूंछ दिखा दिया पीछे का हो गया। बड़ा से बड़ा भी आदमी अगर बाघ के सामने जाए और बाघ उसको पूंछ दिखा दे तो वह आदमी उसको क्या कर रहेगा बताओ जी। कोई मान लो कि डिफेंस सेक्टर के ही बड़ा पदाधिकारी हो, कोई एजुकेशन सेक्टर का ही बड़ा पदाधिकारी हो, कोई बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन ही हो, जू में जाता है बाघ को देखने के लिए, बाघ घूमकर पूछ दिखा दिया मतलब उस व्यक्ति को तिरस्कार कर दे, इग्नोर कर दे व्यक्ति। अगर आपके पास ताकत है पावर तो उसकी जान मार सकते हैं, व्यक्ति को आप डरा सकते हैं, लेकिन वह बाघ को आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते, उसके आदत सुधार दीजिएगा, नथिंग यू कैन डू नथिंग। तो इसी हिसाब से वह व्यक्तियों को इग्नोर कर देता है, तिरस्कार कर देता है। सामने से आ रहा था आगंतुक, देखता है बड़ा खुश जाता है, मोबाइल सेल्फी ले रहा, फोटो ले रहा, वो उसी तरह बाघ ने अपना पूछ दिखा दिया, तब का पीछे से फोटो खींचेगा। इसी बात को आपको समझना भाई साहब कि बाघ ना आगंतुकों को तिरस्कार कर देता है, उपेक्षा कर देता है। यह कविता है, आप देखेंगे बच्चे, आप देख पाएंगे लास्ट स्टंजा है आपके बीच। बोलता है हियर का मतलब होता है सुनना, सुनना, और लास्ट का मतलब अंतिम वॉइस का मतलब होता है आवाज, और लाइट का मतलब होता है रात, और पेट्रोलिंग करना मतलब होता है घूमना, कार मतलब कार समझता है, स्टार का मतलब तारा समझते हैं, और ब्रिलियंट का मतलब होता है तेज, और आई का मतलब जानते हैं आप सब लोग आंख, और इस हिसाब से स्टार मतलब तारा है। तो आप देखिए लास्ट संज्ञा बचा हुआ है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जो टाइगर है जिस जू में है, जिस चिड़ियाघर में वह बंद है, तो अंतिम आवाज वह क्या सुनता है, उन सारे गार्ड सिक्योरिटी के लोग जो उस चिड़ियाघर के गोले गोले ना उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, कार से रात को घूमते विजिट करते पेट्रोलिंग करते उसकी सुरक्षा में, वैसे जो लोग घूम रहे होते हैं उनके कार की पेट्रोलिंग की आवाज वह टाइगर है वो रात में सुनता है, जबकि उस बाघ को रात में जंगल में रहना चाहिए था, लेकिन वह बाघ चिड़िया घर में बंद है, वह बाघ
कार की आवाज सुन रहा है, जबकि उस बाघ को रात में जंगल में निर्भीक शांत होकर सोना चाहिए था या उस बाघ को दहरना चाहिए था। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी तेज तरार आंखों से जिसमें शानदार रोशनी है उसे वह रात में स्काई की ओर आकाश की ओर देखता है, जिसमें वह स्टार्स को देखता है, तारों को देखता है। यह है बाघ, यह है टाइगर। तो इस जो अस्तांजा है, यह अस्तांजा यह बताता है कि टाइगर है ना वो जू में है, चिड़ियाघर में है। इसके ऊपर वाला आप अस्तांजा को आप देखिएगा तो यह दिखलाता है अस्तांजा कि यह जो अस्तांजा है ना इसमें चिड़ियाघर में ही क्या बोलते हैं टाइगर जो है वो चिड़ियाघर के अंदर ही है। और ही शुड बी नार्लिंग अराउंड द विलेज, और यह अस्तांजा दिखाता है कि बाघ है ना वो जंगल में है, का मतलब कि फॉरेस्ट में है। और इसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखिएगा, नेक्स्ट वाला आप देखिएगा ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यह भी अस्तांजा है वो दिखलाता है कि बाघ ना वो जंगल में है। और यह जो अस्तांजा है यह दिखलाता है कि बाघ ना जू में है, चिड़ियाघर में है। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। बढ़िया समासा करते हैं या बच्चों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और इसके बाद अगली पोएम, अगली स्टोरी भी इसी जो चैनल है लाइव पाठशाला, इस पर सब कुछ उपलब्ध है। आप 10वीं क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स, साइंस और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं। तो हम आशा करते हैं कि बड़ा अच्छा लगा हो, दूसरे लोगों को यह बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।